प्रश्न देखिए यही है जो आप पूछते हैं कि लोग क्यों मिस्टिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को, और अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को मिस्टिफाई करने में या उनको रहस्यमय बनाने में इतना रस या इतनी रुचि क्यों लेते हैं, ये एक सवाल है। बात ये नहीं है कि जीवन में रहस्य नहीं होते, जीवन में मिस्ट्री नहीं होती, वो होती है, लेकिन वो तो ऐसे ढंग से होती है कि जब हम उसको देखते हैं, उसको एनकाउंटर करते हैं, तो जीवन में जीवन का स्तर बढ़ता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, जीवन में सृजनात्मकता बढ़ती, हर चीज़ बढ़ती है। लेकिन क्या हम सचमुच में उस तरह की मिस्ट्री को देखते हैं? सवाल यही है कि क्या हम जीवन में उस फंडामेंटल मिस्ट्री को देखने की कोशिश कर रहे हैं, या हम एक मंडेन मिस्टिफाई करने के एटीट्यूड का शिकार हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ये प्रश्न जो हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मंडेन ढंग से मिस्टिफाई करने पर सारा जो ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है ये खड़ा हुआ है। मंडेन ढंग से जब हम चीज़ों को मिस्टिफाई करते हैं तो उसका आंसर किसी के पास नहीं होता, वो एक बस कल्पना लोक ही होता है। कल्पना लोक में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई वेरिफिकेशन का आधार नहीं। रिलीजन के पन्ने पलटिए, कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन में कुछ ऐसी मिस्टिकल बातें होंगी जिनके बारे में बस आप सुन सकते हैं, आप बिलीव कर सकते हैं, या माने या ना माने, बस यही बात होती है, लेकिन आपको उनको जानने का कोई मामला नहीं होता। तो रिलीजन कहेगा या जो रिलीजन को प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि भाई ऐसा है, ऐसा होता है, कहा है हमारे महान लोगों ने जो पीछे आए हैं, अब आप मान लीजिए उनकी बात। फिर अनुभवों के नाम पर जिसको लोग मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कहते हैं, उस पर जो परंपरा चल निकली है कि उसका एंड रिजल्ट कोई नहीं पूछता, जैसे कि उसका परिणाम क्या होगा, उससे क्या जीवन में अंतर है, ये कोई नहीं पूछता, लेकिन उसको वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह से जैसे मैं जितने भी नाम लिए, चाहे वो चक्रों का जागना हो, कुंडलिनी हो, तमाम चीज़ें हों, कोई कभी ये नहीं पूछता कि भाई ठीक है हो जाएगा ऐसा तो, या फिर न्यू एज में आएंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं न्यू एज में जिस पर भी कोई डिबेट नहीं करे, कोई बहस नहीं करे, क्योंकि आप गुरुओं से तो पूछ नहीं सकते, और वो कुछ ना कुछ कह के आगे चले जाएंगे, तुम और ज़्यादा जिरह नहीं कर पाओगे। जैसे लोग कहेंगे ये सपने से जागो, ये जीवन एक सपना है, तुम जाग कर जियो, तो कोई ये नहीं पूछता जाग कर जीना मतलब क्या, जिएंगे जाग कर, कैसे जाग कर जिएंगे, और कैसे पता चलेगा कि जाग कर जी रहे हो। क्वेश्चन खड़े करने से लोग घबराते हैं। तो पहला तो मेरा प्रस्ताव यही रहता है कि क्वेश्चन करो, खोजो, एक्सप्लोर करो। अब कोई कहे इनलाइटनमेंट मुझे चाहिए, तो इनलाइटनमेंट से तुम्हें क्या मिलेगा, What will you get out of this enlightenment? या कोई कहे कि मैं enlightened हूँ, तो आप सीधा उससे प्रश्न पूछें कि इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया और क्या हुआ, वो घटना क्या थी। तो व्यक्ति इसको मिस्टिफाई करेगा। ऐसे एक्सपीरियंसेज ही जो है ना किसी भी धर्म या संप्रदाय की जड़ में है जो मिस्टिफाई करते हैं, वो कहेगा नहीं कुछ ऐसा हुआ जैसे हजारों सूरज फूट पड़े हों और एकदम से रोशनी का हमारे ऊपर सैलाब उमड़ आया और मैं नहीं रहा, मेरा होना जो है समाप्त हो गया, इनलाइटनमेंट। अब होना कब समाप्त होता है? आप हैं तभी तो बात कर रहे हैं, आप हैं तभी तो बोल रहे हैं, कोई भी है दुनिया में, कोई भी रहा हो, चाहे आगे पीछे, कभी भी अतीत भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब भी हम रिपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब हम हैं और उस घटना में भी हम थे। अब ये हजार सूरज की कल्पना क्या होती है, इसको भी हमको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, कोई जांचने का उपाय नहीं। अनुभवों की बात अगर ली जाए
तो व्यक्ति एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है जिस पर आप बस केवल सुन सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि घटनाएं हुई नहीं हुई, हुआ नहीं हुआ, ये मसला है इन चीज़ों का। लेकिन क्यों करता है व्यक्ति? अपने को विशेष समझने के लिए। एक वक्त था अनंत में, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस भी लोगों के पढ़ दिया करता था। बहुत एक्सपीरियंसेस पे मैंने बोला है शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि जब मैं एक्सपीरियंसेस पढ़ता हूँ किसी का, कोई एक्सपीरियंस कोई मुझे लिख के देता है, मुझे ध्यान में था ऐसा हुआ, तो उसी समय दो चार एक्सपीरियंसेस के जो लेटर हैं मेरे पास और आ जाते हैं बोलने के लिए। कभी कभी तो बाढ़ आ जाती थी एक्सपीरियंसेस जब बोलने के लिए, तो मैं सोचता था कि ये एकदम से इन्फेक्शन एक्सपीरियंसेस का कहाँ से शुरू हो गया। और फिर वो पुराने लोग ये भी जानते हैं, जब मैंने बोलना बंद कर दिया तो एक्सपीरियंसेस के लेटर मेरे पास आने भी बंद हो गए। जब से मैंने उनको थोड़ा डिमिस्टिफाई किया तो अब वो एक्सपीरियंसेस लोगों को होना बंद हो गए। इसमें दो स्थितियां होती हैं, एक स्थिति होती है क्लेवर स्थिति और एक होती है हेलुसिनेशन की स्थिति। क्लेवर स्थिति क्या होती है? कुछ लोग बस एक्सपीरियंसेस बनाने लगते हैं, क्रिएट करने लगते हैं, दो चार एक्सपीरियंसेस सुनिए, कहीं पढ़िए और फिर अपने बनाइए, अपने क्रिएट करिए। लेकिन कुछ लोग बहुत सजेस्टिव होते हैं, वो उन एक्सपीरियंसेस का हेलुसिनेशन भी पैदा कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। यानी कि वो अपने आप में बेईमानी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई छल फरेब नहीं कर रहे हैं, उनको हो रहा है वैसा। लेकिन प्रश्न उनसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई ठीक है इससे हुआ क्या। इससे हर कोई घबराता है, हुआ क्या से हर कोई घबराता है। बस आप कहें कि ऐसा हुआ तो आप कहें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तुमको, बात खत्म हो जाती है, हम ग्लोरीफाई हो जाते हैं। हमको कल बालकनी में कृष्ण भगवान खड़े हुए दिखे, बांसुरी बजा रहे थे, बहुत अच्छी आवाज़ थी बांसुरी की। अब इसकी दो स्थितियाँ, एक व्यक्ति को ये चालाकी से पैदा करने का भाव भी हो सकता है कहानी, और एक को सचमुच में ऐसा लग सकता है कि हाँ वो खड़े हैं, बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, ये उसका हेलुसिनेशन हो सकता है। और तीसरी बात जो पूछी है प्रश्न में कि क्या सचमुच में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी मिस्टिकल घटना घटी ही हो, तो मैं 1% हमेशा छोड़ देता हूँ, कभी ऐसा हो भी सकता है। लेकिन तब तुम्हारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 100%। अगर कोई बहुत बड़ी घटना जीवन में गुजरे और ट्रांसफॉर्मेशन ना आए तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं अपने कस्बे में था, गाँव में, तो अक्सर ऐसे कई लोग और कई ऐसी महिलाओं को मैं जानता था जिनके बारे में मैंने सुना, फिर उनसे मैं परिचित हुआ, जिनके बारे में मान्यता थी कि किसी के ऊपर हनुमान जी आते हैं तो किसी के ऊपर देवी आती हैं, तो बड़ा फैसिनेशन हुआ मुझको, जो तो बड़ी बात है, किसी के ऊपर कृष्ण भगवान आते हैं, मैंने कहा बड़े बड़े लोग आते हैं। इनकाउंटर होना भी एक बात है कि भाई आपकी मुलाकात हुई थी, हजरतगंज जा रहे थे, कृष्ण भगवान से मुलाकात हो गई, कुछ सीखने को मिला। यहाँ तो सीधे सीधे आपके ऊपर ही आ जाते हैं, यानी आपके अंदर शरीर में आ जाते, तो आपके अंदर कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन थैला भर भी नहीं आता, देवियाँ आती हैं, देवी आ जाती हैं साक्षात, परिवर्तन कुछ भी नहीं आता। परिवर्तन तो जीवन में आता ही नहीं, और जो क्लेम है उन क्लेम को कभी हम जांचने की कोशिश नहीं करते। पूछें किसी व्यक्ति से, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाएं अपने, तो सारी बातें सामने आने लगेंगी। वो हिम्मत नहीं होती किसी, क्योंकि वो आदमी डर जाता है कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग ऐसे क्लेम करते थे उनका जीवन इतना ऑर्डिनरी है, उनका जीवन ऑर्डिनरी, मेरा कहने का तात्पर्य स्टूपिड से है, अदरवाइज तो ऑर्डिनरी को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, सामान्य जीवन तो बड़ा सम्माननीय है, लेकिन वो बिल्कुल गया बीता है। जीवन में जितनी भी विकृतियाँ हो सकती हैं, जीवन के जितने भी सारे वैसे भाव हो सकते हैं, सब उनके अंदर हैं, और बातें सारी उनकी बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो सीधी सी बात है, ये उनका हेलुसिनेशन हो सकता है। इसमें से 99% लोग क्लेवर हो सकते हैं, लेकिन एक आध व्यक्ति कभी कभार ऐसा भी हो सकता है इसको सचमुच में लग रहा हो ऐसा। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता रहा जिनको
जिनको लगता वगता कुछ नहीं। अच्छा, गुरु शिष्यों का खेल क्या चल जाता है, जब जब कोई ऐसा न लगने वाला व्यक्ति आकर अपना एक्सपीरियंस सुनाता है कि गुरुजी मुझको ऐसा लगा, मैं ऐसे आसमान में, ऐसे लोक में गया मैं। अब लोगों का तो वर्णन है सब शास्त्रों में, किताबों में पढ़िए, और गुरुजी भी कह देंगे हाँ ठीक तुम गए थे, मुझे पता है, मैंने देखा। वो समझ जाता है, समझ जाता है कि बहुत अच्छा मामला है, क्योंकि वो तो गया नहीं, वो तो कहानी सुना रहा है तुमको, और तुमने उस पर मोहर लगा दी कि ठीक हो गया, खेल चलता रहता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का मैं हमेशा बहुत स्पष्ट रूप से विरोध भी करता हूँ और कहता हूँ कि इनसे बाहर होना चाहिए। अध्यात्म का इनसे लेना देना नहीं, मिस्टिफाई करने से नहीं लेना देना है। अब परिणाम जब लाएंगे जीवन में तो मुश्किल खड़ी हो गई कि परिणाम क्या जीवन में, अगर वो शांति समस्वरता यानी पीस हार्मनी और ब्लिस के नहीं आए तो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं। ये मुद्दा है।